हेलो फ्रेंड्स, आज हम C++ के डीबी और एनवीआर के अंदर डेट एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब डीबीआर या एनवीआर जब रनिंग में रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा डेट एंड टाइम आगे पीछे चेंज होते होते कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो हमें क्या है, जब हम सर्विस के लिए साइट के ऊपर जाते हैं तो हमें सबसे पहला चीज़ डेट एंड टाइम के ऊपर ध्यान देना है और उस चीज़ को अपडेट कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं डेट एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं, उस चीज़ के बारे में सीखते हैं। डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके मेन मेनू बटन को प्रेस करेंगे। मेन मेनू को बटन प्रेस करिए, मेरा जो एनवीआर है पहले से ही लॉगिन है, तो ये एक पेज इस तरह से ओपन हो गया। लॉगिन करने के बाद हमें एक सिस्टम का ऑप्शन है, उसके अंदर जाना है। यहाँ देखिए, ये सिस्टम का ऑप्शन है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सिस्टम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक ऐसा पेज खुल कर आएगा, उसके अंदर हमें जनरल के ऊपर जाना है। तो जनरल के ऊपर क्लिक करना है। जनरल के ऊपर क्लिक करते ही देखिए, यहाँ डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम के ऑप्शन के ऊपर जाना है। एंड देन उसके बाद हमें डेट एंड टाइम चेंज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर कि सिस्टम जोन क्या होता है। और बेसिकली सारे जो कंट्री हैं, इंडिया हैं, जो भी हैं, अमेरिका हैं, दुबई हैं, जो भी कंट्री हैं, नेपाल हैं, तो सबका अपना अपना टाइम जोन अलग अलग होता है। तो इंडिया का जो टाइम जोन होता है वो UTC+530 होता है। मोस्टली ये जो इंस्टॉलर होते हैं, जो साइट पे इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, वो इस चीज़ को मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप अपना टाइम जोन जो है, सिस्टम जोन, अगर वो सही नहीं डालते हैं, तो आपका जो भी DVR या NVR है उसका पूरा डेट एंड टाइम का पूरा बहुत ही पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो इंडिया का टाइम जोन है 5:30, तो उसको डालना है। फिर यहाँ से आप डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे तीन फॉर्मेट रहता है बेसिकली, ईयर मंथ डेट एंड दूसरा मंथ डेट ईयर और डेट मंथ ईयर। तो हम जो मोस्टली प्रेफर करते हैं डेट मंथ ईयर को प्रेफर करते हैं। एंड देन उसके बाद आपको ये देखिए टाइम फॉर्मेट दिख रहा है, फिर एक डेट सेपरेटर भी है, उससे पहले आपको कैसे सेपरेट करना है। फिर टाइम फॉर्मेट ये आपके ऊपर है, 24 आवर का चाहिए या फिर 12 आवर का, मोस्टली हम 12 आवर रखते हैं। तो ये सबसे पहले उसके ऊपर सिस्टम टाइम है, टाइम है, यहाँ पे देखिए डेट डाल देना है। उसके बाद जो भी टाइम है, ये आपका हो गया डेट हो गया, ये मंथ हो गया, ये ईयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइम डाल देना है। तो अभी जो मेरा टाइम हो रहा है 2:53 हो रहा है, एक मिनट मेरा पीछे है। तो इसको देखिए, यहाँ से ये हमने 2 कर दिया और ये 53 कर दिया, सॉरी ये देखिए 00 कर देंगे, उसके बाद 53। और आपका AM या PM, क्योंकि हमने 12 आवर फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है, तो हमें यहाँ पे AM PM डालना पड़ेगा। तो अभी फिर ये सेकेंड पे क्लिक कर दिया, फिर हमें PM डाल दिया हमने। एंड देन उसके बाद हमें सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो भी डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन रहता है। सेव करने के बाद आपको लास्ट में फाइनली अप्लाई करना होगा, तो आप अप्लाई कर देंगे। एंड देन फिर उसके बाद राइट क्लिक करके, जैसे ही अब आपको इस पेज के बाहर आना है, पेज के बाहर आने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, एक मरतबा करेंगे तो एक स्टेप बाहर आएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, तो इस तरह से करके हम फाइनल डिस्प्ले के ऊपर आ जाएंगे। और देखिए अभी हमने जो टाइम चेंज किया है 30/11/20/2:53, तो ये हमारा डिस्प्ले का टाइम चेंज हो गया। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स, हम C++ का कोई भी DVR हो या NVR हो, उसका डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।